करने के लिए जो घर बनाना था वो आज बन गया है, क्या कहना चाहेंगे इस इनॉग्रेशन के बारे में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो मेरे सपने की शुरुआत है। मेरा सपना तब पूरा होगा जब हम सब मिलकर यहाँ एक बहुत बड़ा एनिमल हॉस्पिटल, स्टेरिलाइजेशन सेंटर, एक एनिमल होम, मुझे शेल्टर बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, एक एनिमल होम बना सकेंगे और इस तरह के बच्चों को या तो हम इतनी बड़ी अडॉप्शन ड्राइव यहाँ करें कि लोग एक बार इस बारे में सोचें और इसे ज़रूर, मैं कहती हूँ अगर 2 मिनट आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप इन बच्चों को बेघर नहीं रख सकते। अडॉप्शंस कराना और एक अच्छी सी चिकित्सा की सुविधा, स्टेरिलाइजेशन जैसे मैंने कहा, जब ये सब चीज़ें होंगी तब मेरा सपना पूरा होगा और तब तक मैं चलती रहूँगी सबके साथ, सबको साथ लेके। अकेले ज़रूर शुरू किया जैसे खालिद भाई ने कहा, लेकिन अकेला महसूस नहीं करती मैं कभी भी। मुझे लगता है कि मेरा रॉकी जो कुछ महीने पहले मुझे छोड़ गया था वो मुझे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए और शायद वो ही चाहता है कि मैं ये सब करूं आगे बढ़कर। और मुझे बुरा लगता है इस बात का कि मैंने इतने साल बहुत कुछ एनिमल्स के लिए किया पर हमेशा पीछे खड़े होकर और सड़क पर उतरने की हिम्मत नहीं करी कभी। उसके बारे में मुझे बुरा लगता है, अगर 10 साल पहले मैं उतर जाती सड़क पर तो शायद आज हम सब कर सकते थे, पूरा हो जाता। बट नॉनदलेस नेवर टू लेट, बेटर लेट देन नेवर, जैसे सपना तब पूरा होगा। मैम, अजय सर और एकता मंच से जिस तरह का सपोर्ट मिला है इस इनिशिएटिव में, क्या कहना चाहिए उसको लेके, आपको लगता है कि हिम्मत और बढ़ गई है? मैं अजय जी के बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझती हूँ। मैं अजय जी के बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आज उन्होंने मुझे ऑफिशियली ब्लेसिंग्स दी है, पर उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। सब जानते हैं कि उनका और मेरा एसोसिएशन 25 साल पुराना है और ये मेरी गुजारिश थी उनसे। वो बहुत बड़े एनिमल लवर हैं, वो छुपे रुस्तम हैं, उनके पास यहाँ पे 19 कुत्ते हैं और वो किसी भी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अगर सड़क के ऊपर कोई डॉग उनका खाना नहीं खाता वो तब तक वहाँ से नहीं हिलते जब तक ये लेकर आओ, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, मतलब हम उनके लव के सामने कुछ नहीं है। लेकिन मैं डेफिनेटली उन्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ और वो मेरी बैकिंग है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है और हिम्मत देते हैं कि ये काम, मैंने जब उन्हें भी रिक्वेस्ट करी कि हम एकता मंच में इस तरह का विंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने ही आइडिया देकर और प्रोत्साहित किया, तो मैं उनका धन्यवाद भी करूँगी और उनके सपोर्ट के बिना आगे नहीं चलूँगी। आज या ठिकाणी शेल्टरचं ओपनिंग झालेलं आहे आणि खरोखर जे आयशा जुल्का यांचं स्वप्न आहे तसंच आमचं लोणाळेकरांचं पण आहे, कारण लोणाळ्यात जर पाहिलं तर भटकी कुत्री त्याच्यावर कुणीच कधी चर्चा केली नव्हती, परंतु यांच्यामुळे कमीत कमी चर्चा तरी सुरू झाली आणि डॉग फीडर बसवण्यात आले आणि तसं आता ही जी संकल्पना आहे की ॲडॉप्ट करण्यासाठी लोक येतात आहे आणि नक्कीच या ठिकाणी त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल। जी रस्त्यावर आपण बघतो छोटी छोटी पिल्लं कधी गाडीखाली येतात आणि अनेक वेळा आपल्याला पण ते बघवत नाही त्यांच्या वेदना, तर असं जर केलं सगळ्यांनी तर निश्चितपणे हा म्हणजे जो आखलेला प्रोग्राम आहे, यांचा कार्यक्रम आहे, हा निश्चित सक्सेस होणार आहे। आणि लोणार नगरपालिका यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे, लोणार नगरपालिकेने आमचे जे मुख्याधिकारी आता त्यांची बदली झाली रवी पवार, त्यांचं देखील मोठं त्यांचं योगदान आहे आणि जे डॉग फीडर आम्ही 100 ठिकाणी बसवलेले आहेत ते देखील चांगल्या पद्धतीने आम्ही सक्सेस करून दाखवू। आणि मला वाटतं देशामधलं पहिली लोणार नगर परिषद हे लोणार स्टेशन असेल, हिल स्टेशन, की इथंही सुरुवात झालेली आहे आणि ती नक्कीच सक्सेस होईल, कारण सर्व मान्यवर, जसं मी म्हटले की मुंबईचे पण हे मुंबईचे नाही, मी लोणाळेकर, माझा लोणाळा, माझी जबाबदारी, हे नक्कीच पार पाडतील। बेघरांना घर मिळावं त्यावर मोठी गोष्ट काय असेल? ज्याच्याकडे घर नाही ना त्याला त्या घराची खरंच किंमत कळेल। ह्या कुत्र्यांनी उन्हाळा, वारा, पावसाळा, हिवाळा सगळं वार बघितलेलं। आज शेवटी ना एक छत मिळालं, एक छप्पर मिळालं, 4 लोकं मिळाली जी माणसेने प्रेमाने गोंजारतील, एवढं आधी काय हवं आहे? त्यांच्या त्या ह्या पिल्ला बी कुत्री म्हणत नाही, ती पिल्लं म्हणतो की आपली जशी माणसांची पिल्लं तशी ही पिल्लं आहेत।
प्रेम कर या प्रेमाच्या बदल्यात तर ते 10,000 पटीने परत आपलं रिटर्न प्रेम देतात. घर मिळालं त्यांना, गोंजारूया, लाड करूया, त्यांच्याकडून आपल्याला त्रास तर आपल्याकडून त्यांना त्रास होतो. तर त्रास न देता जेवढं त्यांना आपण प्रेम करू ना तेवढंच रिटर्न मिळणार आहे. म्हणजे प्रकृतीचा नियम आहे, आपण जे देऊ तेच परत रिटर्न येणार आहे. तर कर्म करू असं ना की अख्खं नेचर आपल्याला साथ देईल, मला एवढंच म्हणायचं. मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत में अगर हर शहर, हर जिला, हर नगर में अगर आयशा झुमका जैसी सोच रखने वाली औरत हो तो कोई रास्ते पे कुत्ता भूखा नहीं सोएगा. मैं इतना कह सकता हूँ. जिस तरह इन्होंने एक मुहिम चलाया और आज यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है. जिस हमें ऐसे सोच रखने वालों के साथ में उनके कदम से कदम मिलाकर उनको ताकत देके, जैसे हमारी ताई है, फुल सपोर्ट देती है. मैं जिस दिन से मिला हूँ मैं जितना हो सकता है करता हूँ. यहाँ पर अमीर या गरीब या कौन कितना पैसा देता है वो नहीं, हमारी सोच की बात है. और एक किसी ने एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया तो वो बहुत बड़ी बात है. ये हमें सोच को आगे बढ़ाना है. शहर शहर, गली गली हमें ये करना है. ये बेजुबा जानवर है, हमें इनके लिए खड़े रहना है. और आयशा झुमका जैसे जितने लोग हैं इस देश में जो ये मुहिम को बढ़ाते हैं, ऐसा काम करते हैं, हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए. मैं हमारी ताई को मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये आज लोनावला में एक हिस्टोरिकल डे है, एक ऐतिहासिक दिन है. ये आज यहाँ पर कोई भी चाहे तो एक पप्पी आकर एडॉप्ट कर सकता है. इनको बच्चों को घर मिल गया. बस यही मेरी गुजारिश है सबसे कि इस सोच को हम मिलकर आगे बढ़ाएं और इस सपने को हम साकार करें, पूरा करें. अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक सवाल, आपको लगता है कि इतने सारे डिग्निटरीज का सपोर्ट जब मिलता है तो हौसला बढ़ जाता है, जैसे मैंने आयशा जी से भी पूछा था. तो उसने जैसे कहा कि वो अकेली ही चली थी, लेकिन जैसे खालिद मामू ने कहा कि लोग उनके साथ जुड़ गए. इसलिए जुड़ गए क्योंकि उनका कॉज बहुत अच्छा है और इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हैं. और हम सब उनको यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे इस अच्छे कार्य में. थैंक यू सो मच आप सबका, अजय जी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है. आप सबने अपना कीमती समय निकाला, इतना सपोर्ट दिया, आप सबने इतना सपोर्ट दिया. और अब अभी तो शुरू हुई है, रास्ता अभी बहुत लंबा है और हम सबको मिलके तय करना है. थैंक यू सो मच.